कोई फ्री में भी आपको ये मकान देने का इच्छुक हो तो भूल कर भी ऐसा मकान आपको नहीं खरीदना चाहिए। मकान होता है सुख से जीवन यापन करने के लिए, लेकिन वही आपको नसीब ना हो, दुख और दरिद्रता जिस मकान से मिले तो ऐसा मकान लेने से क्या फ़ायदा। और दरिद्रता भी कोई मतलब स्वीकार कर ले, मतलब गरीबी भी कोई स्वीकार कर ले, लेकिन उस घर में बुरी बुरी घटनाएं हो तो ऐसा मकान आप नहीं लें। ऐसा मकान कौन सा है ये मैं आपको बता रही हूँ। हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर उमाश्री आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल डॉक्टर उमाश्री में, और आपका स्वागत करती हूँ। भगवान आपके घर में खुशियों की बरसात होती रहे ऐसी कामना करती हूँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करती हूँ और आपको बताती हूँ कि कौन सा मकान ऐसा होता है जो बहुत अशुभ होता है और भूल कर भी आपको नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन इससे पहले निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मैं परामर्श भी देती हूँ तो परामर्श भी आप मुझसे ले सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 23-24 साल का अच्छा खासा अनुभव है, मेरे अनुभव का लाभ उठाइए। लाखों लोग मुझसे लाभान्वित हो चुके हैं, आप भी लाभ उठाइए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, बंद गली का आखिरी मकान, गली बंद हो समझने की कोशिश करना, एक गली है वो बंद है, मतलब उसके आगे और गली नहीं है, उसका आखिरी मकान मुफ्त में भी कोई देवे ना तो भूल कर भी मत लेना। ऐसा मकान बहुत ही अशुभ होता है। इस ऐसी मकान में भूत प्रेत की आपदा रहती है। भूत प्रेत की आपदा नहीं भी हो, हम कोई ये कह सकता है कि ये आप फालतू बोल रहे हैं या लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, तो मैं ये शब्द वापस लेती हूँ। लेकिन और ऐसा मकान बहुत अशुभ होता है, ऐसे मकान में बहुत ही ज़्यादा अशुभ घटनाएं होती हैं। जिस जगह जाकर गली बंद हो जाती है उस जगह का आखिरी मकान भूल कर भी नहीं लेना चाहिए, भले ही कोई मुफ्त में भी दे दे। ये मकान सभी के लिए बुरा फल देता है। ऐसे मकानों में कोई से भी मुसीबत कभी भी खड़ी हो सकती है, मतलब मुसीबत क्या होगी आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन मुसीबत आती ज़रूर है। कुल मिला के जिनके जीवन साथी नहीं हैं, मतलब तलाकशुदा लोग रह सकते हैं, सेपरेटेड लोग रह सकते हैं, मतलब अकेले कोई रहना चाहता है तो वो रह सकता है, उनके लिए क्या अशुभ और शुभ। लेकिन संतान वाले, परिवार वाले, घर परिवार वाले ऐसे मकान में निवास नहीं करें तो श्रेयस्कर होगा। स्पेशली स्त्रियों के लिए बहुत ज़्यादा अशुभ होता है ऐसा मकान, चाहे दिशा कोई भी हो, कोई भी दिशा हो, लेकिन ऐसा मकान बहुत ही अशुभ होता है। ऐसे मकानों में रहने वाले लोग अक्सर बीमार होते हैं, स्वस्थ नहीं होते और पुअर मेंटेलिटी के शिकार होते हैं, चाहे उनसे उनकी मानसिक हालत हो चाहे शारीरिक हालत हो, खराब ही रहती है। अगर रहना ही पड़े मजबूरी वश तो इसका परिहार ऐसे करना चाहिए जो मैं अब आपको बता रही हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। चाहे मकान मालिक हो चाहे किराएदार हो, उनको ये समस्या सॉल्व करने के लिए, इसका निराकरण करने के लिए ये टोटका या उपाय जरूर कर लेना चाहिए। जब आपका जन्मदिन हो उस दिन 8 किलो साबुत उड़द अपने ऊपर से उसार के या ऐसे ही अपने नाम से, नाम का संकल्प लेके बहते हुए दरिया में या पानी में बहा देना चाहिए। तो ऐसे मकानों से जहाँ तक कोशिश करें आप नहीं खरीदें, मुफ्त में भी देवे तो भी नहीं खरीदें। कोई आपसे किसे कह दे कि किराए से ले लो, मतलब आप किराएदार बनकर भी उस मकान में नहीं रहें, मेरा तो आपको ये सजेशन है। आगे आपकी मर्जी, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा सोचता है वही करता है, लेकिन मेरा सजेशन था कि ऐसे क्योंकि मैं आपका भला चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि आप ऐसे मकानों में नहीं रहें। लेकिन आपकी मतलब इच्छा है तो जो आपको सही लगे वो आप करें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।